Bro, भाई ब्र आदाशियो भाई स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में जहाँ पे आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं पोकेमॉन लीजेंड्स आर्क्यूस। और आज हमको काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को भी पकड़ना है, साथ में काफ़ी सारे मिशंस को भी करना है। होप सो मैं कर दूँ। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेक गार्जियन से। जैसा कि तुमको याद हो तो हमने एस्लीप को लेक पहले ही पकड़ लिया था पिछले एपिसोड में ही। अगर तुमको ने नहीं देखा वो चीज़ तो याद जाके देख लेना, पिछला ही एपिसोड है जिसमें हमने मिनाफी भी पकड़ा था, तो या वो देख लेना। अभी फिलहाल के लिए हमको और जो बाकी दो लेक गार्जियंस बचे ना उनको पकड़ना है। बट यहाँ पे सो नहीं कर रहा कि कहाँ पे है, तो वेल हम लोग रिक्वेस्ट में चलते हैं। या द प्लेट ऑफ द लेक्स, चलो अभी मेरे ख्याल से सो करेगा। ऑफकोर्स हमको पहले जाना है ऑप्शीडियन फील्ड में। चलो भाई उस जगह पहुँचा दे, आई थिंक हाइट से हम जल्दी पहुँच सकते थे ना मे बी। चलो भैया हम लोग तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्केप में। हम फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या करना है। पिछली बार अगर तुमको याद हो तो एस्लीप में मेरे को बैटल करना पड़ा था उस पोकेमॉन से ही। मे बी हमको यहाँ पे बैटल करना पड़े, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओह भाई मोस्ट स्प्रिट, मैस स्प्रिट है, मैस स्प्रिट है भैया स्केप में। चलो उसने देख तो लिया, ऑफकोर्स वो स्पॉट करेगा ही हमको, बट अभी तो नहीं बचने वाला। अच्छा बैटल कर ले, नो एम करना पड़ेगा मेरे को यार, एम तो कर ले भैया, इतना बैटल में तो एम करना ही पड़ेगा यार। चलो इतना आलसी नहीं बनते हम लोग, आज जो इससे बैटल कर लेते जल्दी से। वैसे ये पोकेमॉन काफ़ी खतरनाक है यार, जितना तुम सोचोगे ना उससे ज़्यादा ही पावरफुल है ये। चलो 70 लेवल का ये एक्चुअली। आई एम गोना यूज़ क्या यूज़ करें यार, ड्रैगन क्लॉ करें, बुलडोज करें, एक्चुअली बुलडोज करके पूरा गुफा ही गिरा देंगे। ओके चलो भैया हम बुलडोज करते हैं। ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, सर नहीं देखना मेरे को, स्पोकमन को देखना है। ओ भाई दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग स्टाइल एक्चुअली यार, ये लोग का वो काफ़ी अच्छा है। मेरे को लगा मैंने गाचों को वो क्रंच सिखा कर रखा है, बट इसको आता नहीं है क्रंच। लो भैया ये तो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता भाई। चलो दूसरा पोकमन निकालते हैं। मेरी गलती थी, मैं डाकरे को ले आता हूँ यार, ये काफ़ी परफेक्ट रहेगा यहाँ पर। एक डार्क टिप पोकेमॉन पर साइड की टिप इफेक्ट नहीं करेगा, प्लस हमारे पास डार्क वॉइड है जिससे हम उसको सुला भी सकते हैं। क्या मेरे को डार्क वॉइड पहले करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मैं हेक्स करता हूँ एक आइल स्टाइल के साथ। चलो एक आइल स्टाइल एंड हेक्स, दिखा दो दम भैया अपना भूतनाथ। ओ भाई वो बच गया वो। चलो अब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग डार्क वॉइड करके इसको सुला देते जल्दी से। और ये गोला गया वहाँ पे, बच्चा सो गया, सो जा मुन्ना सो जा। आहा ड्राउजी फील कर रहा है, अभी तक सोया नहीं है। अरे रिकवर, अरे भैया जी के पास रिकवर भी है। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम फिर से एगाइल सेल के साथ हिक्स करेंगे। चलो ये लीजिए भैया जी। भाई नहीं यार मैंने गेम शेट, ये गड़बड़ी कर दी मैंने। You must catch the Pokemon to battle once. Wait, what? You must catch the Pokemon to battle once more. Oh, भाई that means हमको उसको पकड़ना ही पड़ेगा, ये mandatory है। अरे यार ये actually सही चीज़ है। चलो आ जाओ, तो तुमने हराया क्यों मेरे को? चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिलहाल के लिए अभी डार्क पल्स करेंगे स्ट्रॉन्ग स्टाइल के साथ। एक मूव में तो नहीं जाएगा यार, इतना तो है यार, एक मूव में नहीं जाएगा वो। ओ बच गया। ये बंदा निकवर क्यों कर रहा है, तो खुद ही क्यों कर रहा है वैसा गंदा काम। भाई मैं डार्क वॉइड करके पूकल फेंकना चालू करूँगा, ये कितना गंदा है। मैंने इसको हरा दिया फिर भी यार, सीधा सीधा आ जाए यार, इतना नखरे नहीं किया करते हैं। वैसे मैंने पूकल अभी तक फेंका ही नहीं है जिसमें वो आए। चलो उसका भी मन होगा कि आ जाएगा हमारे साथ। वेट हम गाने यूज द अल्ट्रा बोल, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैचिंग रेट इसी का ही है। चलो भैया आ जाओ उस प्यारे से पोकेबल में, आ जाएगा यार, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, मेरे को पता है अच्छा पोकेमॉन है ये। ऑफकोर्स क्योंकि स्टोरी के हिसाब से हमको इसको पकड़ना है तो पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आइला के पसीने छूट गए यार इसको पकड़ने में। अब बस एक हमारे लेक का गार्जियन बाकी है जिसको हमको पकड़ना है, वही ने चलो उसको ही पकड़ लेते हैं। ओके बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, आई थिंक हमको यहीं पे आना था। चलो भैया, भाई देखो ना कोहरा कोहरा है बिल्कुल यार, और आंधी तूफान चल रही है। ओ भाई बच गया, मेरे को डैमेज पड़ने वाला था अभी। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इसके अंदर चल के हम लोग चलते हैं एज लेक को पकड़ने के लिए। वेट कहाँ गया उसका एंट्रेंस? अच्छा यहाँ पे पूरा घूम के गया था। जब मैं उल्टा डायरेक्शन में जाता ना मैं जल्दी पहुँच जाता एक्चुअली, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें तो लगी रहती है। बट अभी
हम लोग देखते हैं अपने दूसरे लीग गार्जियन को, आई मीन लास्ट लीग गार्जियन को, एंड दिस इज एस्लैफ। ओ भाई या हमको भी इससे बैटल करना पड़ेगा एक्चुअली, मेरे को लगता नहीं इसी तरह हम कुछ कर पाएंगे। क्यों भाई आजा गार्चोम्प, गार्चोम्प महाराज आ जाइए इसे बैटल करने के लिए। चलो 70 लेवल का ये एक्चुअली एक्स्ट्रा सेंसरी। ओके ओके कोई बात नहीं, गार्चोम्प पे तो फर्क नहीं पड़ता। फिर से गार्चोम्प को क्यों ले आया यार भाई। ओके नेवर माइंड, अब फिलहाल के लिए मैं स्ट्रॉन्ग स्टाइल के साथ ये करने वाला हूँ ड्रैगन क्लॉ। डबल मूव ना करते हैं, मेरे को लग रहा है वो कर देगा, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना सह लेंगे हम। पीछे भाई क्यों हारते ये क्यों हारते ये गंदे पोकेमॉन। अरे यार चलो एक बार और हमको इससे बैटल करना पड़ेगा। आजा मेरे डाकराई कर ले इससे बैटल। चलो इस बार डाकराई, मेरे को नहीं लगता डाकराई हरा पाएगा, हरा भी सकता है, मैं गाइल स्टाइल करूँगा यार मेरे को डर लग रहा है ये हरा दिया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो ठीक है फिर। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना, हम एक बार से ज़्यादा अगर इसको हरा देते हैं फिर क्या होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट स्विफ्ट। चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम हो चुका है ये हम लोग अपना पोकेबॉल निकाल ले, अल्ट्रा बॉल ऑफ कोर्स, हमको कोई भी रिस्क नहीं लेना, तनिक भी रिस्क नहीं लेना है हमको सीधा अल्ट्रा बॉल फेंक कर जाए भाई। अब पक्का है मैं 100% श्योर हुआ आने वाला है, इसमें नहीं आएगा तो गेम की दिक्कत है आई थिंक ना ये पकड़ने का सबसे आसान तरीका है। मेरे को इस बार ना बिना मूव किए पोकेबॉल फेंकना दिया था, तब मैं फेंक के वो देखता यार कि क्या होता कैसे होता, बट यहाँ पे हमको मिल चुका है ड्रैको प्लेट। ओके ओके चलो हमने ये लेक गार्जियंस वाला हमारे जो तीनों था ना लेक द प्लेट ऑफ द लेक्स वो हमने कलेक्ट कर लिया है। अभी बेस्ड ऑन कॉर्टेगास हिंट इट सीम्स देयर माइट बी टू मोर प्लेट्स लेफ्ट। चलो ठीक है, तो अगर तुमको पता होगा ना कि दो और कौन बाकी है तो या वो उसको भी जाके हमको लेना है, बट सिंस हम लोग क्रिम्सन आइलैंड पे आ चुके हैं तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमको करनी है जो कि फाइनली हमको करना है अभी। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जाना है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो एक रिक्वेस्ट आया हुआ है। अभी यहाँ पे चल के हम लोग देखते हैं कि क्या मस्ती मसाला चलने वाली है। वेट मिनट मैं पहले ऊपर जाता हूँ यार ऊपर, एंड यहाँ से हम लोग देखते हैं कहाँ मार्क, यहाँ पे मार्क्ड है भाई। इतने आंधी तूफान में वहाँ पे क्या है, क्या कौन खड़ा है, किसको अपनी रिक्वेस्ट करवानी है। ओके आई थिंक हम यहीं पर पहुँचना था ना हमको, तुमने देखा क्या कौन था वो, जब हमारे डायमंड क्लैन का लीडर। चलो भाई ओके बताओ भैया क्या दिक्कतें चल रही है आपको। हे अगर ये आइलैंड नहीं है, गुड टाइमिंग, आई फाउंड सम ट्रेजरी जिसमें तुम इंटरेस्टेड होगी। क्या इसको सुनने से तुम्हारे कान के पर्दे खुल गए? मैं बहुत खुश हूँगा तुमको ये बता के अगर तुम क्यूरियस होगी। ऑफकोर्स आई एम वेरी वेरी क्यूरियस। चलो भाई बताओ कि क्या ही चल रही है यहाँ पे। क्यूरियसिटी वो चीज़ है जो साइंस को और आगे ले जाती है, अकॉर्डिंग टू गुड ओल्ड मिस्टर प्रोफेसर। हाँ प्रोफेसर का डायलॉग चलो ठीक है। द डायमंड्स क्लीन्स ट्रेजरी हमारी ये क्वेस्ट है। हियर इज द डील, आई वॉन्ट यू टू शो मी वट इज यू इन योर माइंड, योर हर्ट एंड योर सोल, इन शॉर्ट बैटल मी। भाई ये बैटल क्यों करते हैं, चलो ये गॉड इट, आज जाओ हम सब बैटल करने के लिए, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा पोकेमॉन मैंने हील नहीं कराए हैं, हियर आई कैम। चलो चलो भैया आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमको भी हरा देंगे। अच्छा इसके पास लीफ्रॉन था ना, ये मैंने साथ से इसे पहले बैटल किया है, और तुमको याद हो तो मिली को दिखाने के लिए हमने किया था, और मेरे सारे पोकेमॉन हील हो गए एक्चुअली। ओके ओके अब तो कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, एक्चुअली है थोड़ी सी। मैं क्या कर रहा यार यहाँ पर, चलो ठीक है मैं डार्क वॉइड कर रहा हूँ पहले, माइंड वो सोए ना, मेरे को लग तो रहा है वो ड्राउजी फील करेगा बट वो सोएगा नहीं पहले बार में। चलो उसका डिफेंस भी घटिया, ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, एंड क्विक अटैक भाई, और कैसे ज़्यादा डैमेज हमको नहीं पड़ेगा, नाइस नाइस क्विक अटैक अगेन। ये दो दो पुक में साथ में हमला करते हैं ना, मेरे को चीटिंग लगती है भाई, एक आई लिफ स्टाइल तो नहीं कर रहा था ये, फिर डबल डबल मूव कैसे कर रहा है ये दोनों। लीप ब्लेड, ओह नो नहीं 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 बच गया बच गया, अब ये नहीं कर दे मूव। चलिए लुकिंग अराउंड अगल बगल, तीसरा कौन है पीछे, तीन तीन पोकेमॉन बदमाश बच्चे क्या कर रही है लिटरली मैन, तीन तीन पोकेमॉन कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल मैन। अरे यार मैं फायर टिप लाऊंगा तो वैपरियन मूव करेगा, ऐसे लीफियन मूव करेगा, क्या व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मेरे को मूव करने दो तो मैं सबको बता दूंगा। लेट्स यूज स्ट्रॉन्ग स्टाइल, क्योंकि मेरे ख्याल से इस एक स्ट्रॉन्ग स्टाइल में जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो मेरे को नहीं पता। चलो भाई एंड हियर वी गो, ओके ओके दैट वाज ग्रेट दैट वाज ग्रेट।
ओके 32 लेवल का इनका सपोर्टर पोकेमॉन जो है वो 32 लेवल का ही है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। नैप्रियन का मूव से मेरे को डर लग रहा है, वो लुकिंग अराउंड। अच्छा फिर से डार्क पल्स कर रहा है ख़त्म, चलो कोई बात नहीं। दैट वॉज अ क्रिटिकल हिट, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता मेरा आकरण फेंट होता। कौन आएगा अब? एक वाटर टीप है ना और एक एम्ब्रियन है, तो मेरे ख्याल से लग्जरी परफेक्ट रहेगा यहाँ पर। चलो लग्जर है, आ जाओ भाई ये दिखा दो अपना कमाल। हम लोग एगाइलिक शेल के साथ कर लेते हैं वाइल्ड चार्ज। देखो एगाइलिक शेल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका लेवल कम है, हमारा स्पीड ज़्यादा है, तो ऑलरेडी हम दो बार मूव कर सकते हैं माइट बी। अरे यार हिट रिकॉइल हो गया, ओ शिट भाई वो कितने लेवल का जो इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा है। अगेन एगाइलिक शेल, लेट्स जस्ट डू एन एक्वाट, अच्छा वाइल्ड चार्ज एक्चुअली। चलो भाई ये तो ख़त्म हो गया, दूसरे वाले को हमको देखना है थोड़ा सा। वैपरियन ये भी 32 ही लेवल का यार, मेरे को लगता है एक मूव में चला जाएगा। बेबी डॉल आइज, ओके ओके नेवर माइंड, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है इस पर। चलो लग्जरी ने अवॉइड कर दिया मूव, और हम लोग अभी स्ट्रॉन्ग स्टाइल कर देते हैं, सबसे बढ़िया यही रहेगा आई थिंक सो, क्योंकि मेरे को लगता है ये वन हिट कर देगा, तो स्ट्रॉन्ग स्टाइल विल बी परफेक्ट, बट हमको ज़्यादा डैमेज ना पड़ जाए। ओह 15 एचपी बाकी है। चलो भाई बहुत परफेक्ट बैटल था, हम लोग जीत चुके हैं यहाँ पे। मैंने अपने सारे पोकेमॉन को रखा नहीं था ना, मैंने बस स्टार रिविया को रखा था यहाँ पे ताकि मैं उसका वो साइनी वाला देख सकूँ। चलो तुम सही में कुछ हो, एंड आई एम ए मैन ऑफ माय वर्ल्ड, सो हियर इज दैट ट्रेजरी। क्या मिलेगा हमको? और हमको मिला एडमेंट क्रिस्टल, एडमेंट क्रिस्टल लगता है इसको मिला ना, तो इसने अपना नाम उसमें डाल दिया है एडमेंट क्रिस्टल। चलो तो इसको लाइक हम डीएल का पे यूज़ करके ना उसका ओरिजिनल ओरिजिन वाला फॉर्म में ला सकते हैं बेसिकली, तो ये भी परफेक्ट है यार, अच्छा ही है। हम लोग वो करके देखेंगे अभी, अभी मेरे पास डीएल का नहीं है, तो एक बार हमको वो पोल वाला भी मिल जाए ना, पोल क्लैन का ट्रेजर, तो वो भी हमको कर लेंगे, और मेरे ख्याल से हमको वहाँ पर मिलेगा एक्चुअली। ओके सो बेसिकली ना मैंने अभी टीम खोला था, तो मेरे को दिखा यार इसको हम अभी इवॉल्व करा सकते हैं, तो व्हाई नॉट लेट जस्ट इवॉल्व इट यार। स्टार रेविया को इवॉल्व कराने के लिए तो हम टीम में रख रहे थे इसको, अब भी भैया ये बनेगा स्टार रैप्टर, और वो अभी साइनी वाला लिटरली मैन। ओ भाई ये देखो ये पीली पीली आंखें, ओ भाई उसका देखो ना उसका हेयर कलर जो था ना ऊपर में वो नीले हो गए उसके बाल, लाइक साइनी वाला का ऐसा होता होगा। नाइस परफेक्ट दैट वाज ग्रेट, अब इसको बाहर निकाल के देखते हैं यार। ओके थोड़ा सा इधर नहीं इधर ही लाते हैं। अच्छा भाई हमारे पोकेमॉन थोड़ा सा ऊपर। अरे भैया ये देखो कितना गजब का हमारा पोकेमॉन है, साइनी वाला है जो हमने पकड़ा है, हमारा पहला साइनी। बहुत ही अच्छा है ना। चलो अभी टीम में एक्चुअली ना हम डीएल का और पालकिया दोनों को ले आते हैं, और हम लोग पहले पालकिया का वो स्टोन ले आते हैं, फिर दोनों को साथ में हम लोग उसका ओरिजिन फॉर्म करके देखेंगे। ओके सो बेसिकली अभी हमको जाना है एलाबेस्टर आइसलैंड पे, अभी तुम वहाँ पे देखो ना तो एक आउटब्रेक भी चल रहा है, मे बी हम लोग एपम का कर सकते हैं यार एक्चुअली, क्या करेगा एक बार साइनी वाला ट्राई करे क्या? दैट विल टुक अ लिटिल बिट टाइम, बट चलो ठीक है। ओके बेसिकली हमको एक मास आउटब्रेक तो मिला है, बट दिक्कत ये है कि वहाँ पे एक अल्फा पोकेमॉन है, दैट मीन्स अगर हम अल्फा पोकेमॉन को पकड़ लें तो हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। लेट मी जस्ट, ओ नो यार इसने डिटेक्ट कर लिया, ओह शिट हमको भागना पड़ेगा। एक और परफेक्ट हिट बिल्कुल, अभी तो आ जाना चाहिए, अल्ट्रा वॉल मैंने फेंका है। आ गया अभी ये आ गया ना, अभी देखो तुम, अभी तुम देखते जाओ, बस तुम देखते जाओ कि कैसे हम पकड़ते हैं यहाँ पे सारे के सारे पोकेमॉन। चलो भैया तू भी आ जा माउट क्या बोलते हैं इसको मास आउट ब्रेक में, चलो आते जाओ, सब लोग आएंगे, सबको जगह मिलेगा हमारी टीम में। कहाँ है भाई मास आउट ब्रेक ख़त्म तो नहीं हो गया? इसमें तो इतने पोकेमॉन रहते हैं कि तुम पकड़ते दिक्कत में पड़ जाओ। कहाँ है कोई? ओए एक भी नहीं बचेगा भाई, पोकेमॉन ही गायब है वो यहाँ पे। रुक जा भाई कहाँ भाग रहे हो? ओए कहाँ भाग रहे भाई, मास आउटब्रेक यहीं पे था ना? एक्चुअली यहाँ पे मास आउटब्रेक ख़त्म हो गया, मैं इंतज़ार कर रहा था कि अब पोकेमॉन आएंगे, वो अल्फा पकड़ने के चक्कर में यार दिक्कत हो गई। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए आई थिंक सो हमको यहाँ पे जाना होगा मे बी पोल सेटलमेंट में, तो मे बी हमको यहाँ पे जाना होगा। हम लोग यहाँ पे जल्दी से मार्क कर देते हैं, और चलो भाई वहाँ चल के देखते हैं। ओह नो मेरे को लगता है हमने गलत जगह मार्क किया है, मे बी वहाँ पे एक दूसरा रिक्वेस्ट भी था ना, हमको वहाँ पे जाना हो। अच्छा वहाँ पे तुम देख सकते हो, वहाँ पे वो पोल क्लैन की लीडर एरेडा। चलो भैया हम उतर जाते हैं यहाँ पे एरेडा मोहतरमा।
अब बताओ कि अब कैसे दोगी हमको अपना पोल क्लर्क का ट्रेजर। मैं तुमको बस ढूंढने ही वाली थी और तुमको ये बताने वाली थी इस प्रीशियस, इनक्रेडिबल प्रीशियस चीज के बारे में जो कि मुझे मिला है। क्या तुम क्यूरियस हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं हम। बता दो बस ये क्या चीज़ है। जैसा कि तुम होने वाली थी, देयर इजंट ए सिंगल पर्सन इन ऑल ओवर वास्ट हिस्ट्री जिसको इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो या हम इंटरेस्टेड है भाई, हमको बस दिखा दो। यू वांट अ बैटल? ऑफ कोर्स, मुझे पता है तुम बैटल करोगी तभी तो तुमको वो आइटम दोगी। चलो फिर दिखा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और ये क्या कर रही है अभी? ओह फ्लेट, नाइस नाइस, ये साउंड एक्चुअली काफ़ी प्रिटी है यार। या ओके, आर यू डन? तुमने मजा कर लिया है? मेरे स्ट्रॉन्ग पार्टनर और मैं अभी जा रहे हैं और भी ताकतवर बनने, क्योंकि हम ट्रेवल करेंगे पूरी दुनिया के ऊपर। चलो फिर ठीक है, हमको भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यह है इसके पास ग्लेशियन, अब पक्का दो दो सपोर्टर होने ही वाले हैं पिछली बार की तरह। बट हमारे पास हमारे डाई का है, या फिर डीएल का अगर बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट अर्थ पावर कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टाइल है गाइल स्टाइल। ओके गाइल स्टाइल स्ट्रॉन्ग स्टाइल करते हैं हम लोग, क्योंकि मे बी एक पे वो होता है कि सब पे होता है अर्थ पावर, नहीं एक पे ही होता है यार, मेरे को लगा सब पे होता है अर्थ क्विक की तरह। ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम, सब सह लेंगे हम। ओह नो क्विक अटैक, मेरे को लगा मेरे को अभी स्टील टाइप मूव करना चाहिए था, मेरे को लगा सब पे होगा यार। ओके ओके कोई बात नहीं, लेकिन क्विक अटैक ही किया ये प्लेरियन, कोई बात नहीं। अभी हमने स्ट्रॉन्ग स्टाइल किया तो पक्का है डबल डबल मूव तुमको लगने ही वाले हैं, क्योंकि ये एक तो क्विक अटैक कर रहे हैं, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने ये डैमेज देगा हमको। ओके ज़्यादा नहीं दिया, दैट वाज ए क्रिटिकल, दैट वाइज हमको काफ़ी ज़्यादा लगा, अदरवाइज उतना लगता नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारे थोड़े स्टेट स्लो हो गए हैं। ग्लेशियन कर दे फिर से तू मूव। आइस टाइप हम पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, ज़्यादा नहीं रहते एक्चुअली, बट क्योंकि हम ड्रैगन सील दोनों है ना, तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। उसके पास ग्लेशियन था ना, मेरा फायर टीप बुक में तो है नहीं, हमको फाइटिंग टाइप लाना पड़ेगा एक्चुअली अपना। बस ये मूव ना करे यार, बस ये मूव ना करे, क्योंकि हम फाइटिंग टाइप होने के साथ अभी ग्रास टाइप भी हैं। नहीं यार आइजिम, नहीं नहीं नहीं, ओह नो। ओके अभी हम मूव कर सकते हैं। आई थिंक आई एम गोना यूज़ ए स्ट्रॉन्ग स्टाइल विद ट्रिपल एरो, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे को लग रहा है मेरा डिसीडुआई फेंट होने वाला है, तो इससे पहले वो फेंट हो ग्लेशियन को टू लेड हूँ भाई। ग्लेशियन अगर रहेगा तो दिक्कत देगा, क्योंकि बाकी दोनों 32 ही लेवल के हैं, वो ज़्यादा दिक्कत देने वाले नहीं हैं, बट या ग्लेशियन रहेगा तो दिक्कत तो देगा वो। चलो प्लेरियन फ्लेम थ्रोअर, नेवर माइंड नेवर माइंड, अभी बस दो ही पोकेमॉन है। आई थिंक इनको तो डार्क राई भी हरा देगा यार। अच्छा मेरे डार्क कराई, मेरे भूतनाथ, मैंने निकनेम की निकनेम का नहीं रखा अभी तक, क्योंकि यहाँ पे निकनेम रखने के लिए तुमको बैग खोल के वो करना पड़ता है ना, वो लोग सजेस्ट नहीं करते कि तुम बब्बू निकनेम रख लो इसका, तो या ये दिक्कत थी। आई थिंक आई एम गोना यूज़ हेक्स विद एगाइल स्टाइल, क्योंकि मेरे को लगता है उससे ये फेंट हो ही जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सो या लेट्स जस्ट डू इट। ओह नो मेरे को तो लगा ऐसा नहीं होगा, एक मूव में फेंट होना चाहिए था भाई इसको, ऐसा तो मैं नॉर्मली करता। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग फिलहाल के लिए फिर से एगाइल करते हैं, क्योंकि अब तो फेंट होना ही है। प्लेटियन पे जितना ज़्यादा मूव कर दे वो उतना ही अच्छा रहेगा। ले भाई स्पियन, और ये ख़त्म हो गया। 32 लेवल का एक और प्लेरियन बाकी है बस। ओ भाई फ्लेम थ्रोअर, ओके नेवर माइंड, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हम लोग अभी डार्क पल्स कर या फिर साइकिक कर लेते हैं यार, स्ट्रॉन्ग स्टील के साथ। साइकिक का 90 का डैमेज है ना मेरे ख्याल से, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एंड हियर वी गो। भाई ये हारते नहीं है क्यों यार, मैं 70 लेवल का डार्क रही है, इतना बेइज्जती क्यों? भाई हारना चाहिए था उसको, स्ट्रॉन्ग स्टील ऊपर से हमने किया था, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ओके लेट्स जस्ट डू डार्क पल्स विद एगाइल स्टाइल, नहीं एगाइल क्यों करें, हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा नॉर्मल ही हो गया, मेरे को लगता है ना वो करने के बाद फिर से ये क्लिक करना पड़ता है, अच्छा जो भी क्लिक करना पड़ता है। फिलहाल ये हार गया है, हमने बैटल जीत लिया है, कभी देखते हैं भाई, अब भी देखते हैं कि हमको क्या क्या मिलने वाली है। लेवल अप हो रहे हैं, मूव मास्टर किए जा रहे हैं, डार्क वाइट को मास्टर करके हम करेंगे क्या है एक्चुअली। मैं वंडर करती हूँ आइला कि यहाँ पे और भी ताकतवर लोग हैं क्या इस दुनिया में, जिनके पास तुमसे ताकतवर पोकेमॉन्स है?
आई विल जस्ट हैव टू फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ. मैं सपोज करती हूँ यहाँ ये रहा ट्रेजर जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था. ओके वॉइस ऐसे हाँ काफ़ी सारे हमसे भी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर होंगे मे बी इस दुनिया में. काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं यार लेकिन आई वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. चलो भाई अभी हमको ये दोनों मिल चुका है. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आइला. शुक्रिया हर वो चीज़ के लिए जो तुमने किया. चलो हमने कंप्लीट कर लिया है द प्लोल्स क्लैन ट्रेजरी. तो अब भी हम लोग इसको बाहर नहीं निकाल सकते यार. मेरे को रिवाइव यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली. मेरे पास रिवाइव तो काफ़ी सारे हैं. लेट जस्ट यूज़ इट ऑन डीएल का ताकि हम उसको यूज़ करके देख सकें. तो अगर मैं तुमको दिखाऊँ ना कि डीएल का ओरिजिनल साइज कैसा है और ऑरिजिन फॉर्म होने के बाद वो कैसा हो जाता है. तो ये देखो ये उसका नॉर्मल साइज़ जो कि काफ़ी ही बड़ा है एक्चुअली. उतना छोटा भी नहीं कह सकते हम. काफ़ी बड़ा है. और यहाँ पे अगर मैं पालकिया का तुमको दिखाऊँ तो पालकिया तू इधर साइड में आ जा. ये देखो भैया पालकिया का साइज़ जैसा है ऐसे डीएलगा का साइज तो बड़ा है ना. या फिर डीएलगा अपना गर्दन को ऊपर किए हुए डैट्स पे हमको लग रहा है. देखो इतना बड़ा दोनों सेम साइज़ के ही है बट इनका ओरिजिन फॉर्म को हम करके देखते हैं. देखो पहले इनको वापस बुलाना पड़ेगा. अच्छा भैया और फिलहाल के लिए हम लोग बैग में चलते हैं और इधर से हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये देख सकते हैं ये तीनों ओर है हमारे पास. तो इसको जस्ट यूज़ कर लेते हैं डीएलगा पे. ओके और यहाँ देख सकते हो भाई इसका फॉर्म चेंज हो चुका है. ओके अरे मेरे पास ये क्रिस्टल फिर से आ गया है. लाइक फिर से हम इसको डीएलगा में चेंज कर पाएंगे इसका मतलब ये है. और हमारे पास ये पोल वाला भी है तो इसको हम लोग पालकिया पे यूज़ कर लेते हैं. तो इसका ये ओरिजिन वाला फॉर्म हो जाएगा. एंड देयर वी गो बॉयज हमको पालकिया का भी ओरिजिन वाला फॉर्म मिल चुका है. अब भी मैं दोनों को बाहर निकाल कर दिखाता हूँ तुमको. एंड देयर वी गो यहाँ पे तुम देख हाय स्क्रीन में आएगा ये. रुको इन दोनों को बैटल करवाते हैं. ओके अभी मैं किधर इस डायरेक्शन में करूँ ऐसे. किसी ने बोला तो था तुम बस इसके सामने इसको फेंकना और ये जाओ. और इधर आ गया भाई तुम दोनों बीच में मेरे को बीच में आने दो. अब तुम दोनों बीच में मेरे से बात करो तब होगा वो चीज़. वेट अ मिनट भाई ये स्क्रीन में भी नहीं आ रहा. ओ यहाँ पे देख सकते हो भाई इन दोनों को. ओ भैया दोनों के सींग साइज तो देखो आँखें में आँखें डाल के बैटल कर रहे हैं. भाई तभी देख के लगता है ना कि डीएलगा प्लस अर्कियस दोनों मिल गए हैं तब जाके ये फॉर्म आया इनका. बट ये देखो भैया दोनों की जोड़ी कमाल है दे मिसाल है. और दोनों एक दूसरे से लड़ना कभी नहीं छोड़ेंगे. इनका ये पैर वगैरह देखो ना किस तरह का नुकीला नुकीला टाइप का निकला है. और सबसे बड़ी बात ये है ना कि भाई ये पालकिया का वो हाथ कहाँ चला जाता है फॉर्म के बाद. हाथ सील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं. अच्छा नहीं लगता यार इन्होंने इनका हाथ ही गायब कर दिया. भाई डीएलगा का तो समझ में आ रहा है उसका हाथ नहीं था बट पालकिया अच्छा वो सील्ड में नहीं इसका पैर भी तो है अलग वाला. बट स्टिल मेरे को हाथ वाला ज़्यादा पसंद था. कोई बात नहीं जो भी है भैया तुम दोनों वापस आ जाओ अपने पुकल्स में और हम लोग चलते हैं दूसरे पुकल्स को पकड़ने जो कि आज हमको पकड़ने हैं. ओके सो बेसिकली यहाँ पे दो क्वेस्ट और है हमारे. एक है द प्लेट ऑफ स्नो पॉइंट टेम्पल जहाँ पे हम जाके अपने एक और पुकोन को पकड़ सकते हैं. एक हमारा मून व्यू एरेना है तो पहले हम लोग यहाँ स्नो पॉइंट टेम्पल पे कर लेते हैं क्योंकि हम लोग अभी यहीं पे हैं. तो डैट विल बी ग्रेट अगर हम वहाँ पे जाएं. उसके लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा ना. चलो भैया मार्क तो ऐसे भी कर देते हैं वैसे भी वहाँ मार्क हो ही रहा होगा. और हम लोग चलते हैं उरन खटोला पे अपने. ओके आई थिंक हम लोग पहुँच चुके उस जगह पे जहाँ पे हमको आना था उस पुकोन को पकड़ने के लिए. अभी तुमको पता चल ही गया होगा यार ये कौन सा पोकेमन है. बट चलो ठीक है मैं तुमको अभी तक नहीं बताने वाला. हम लोग आगे चल के ही देखेंगे क्योंकि अगर तुम यहाँ पे स्टैचूज देखो ना तो तुमको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की स्टैचू है. तो उस हिसाब से तुमको कौन सा पोकेमन मिल सकता है. अब अगर ये तुम देखो तो ये तुमको दिखेगा भाई ये रीची का स्टैचू है. तुमको ऐसा कोई पोकेमन मिलने वाला है जो कि रीची होना चाहिए लाइक रीची होना चाहिए. ओके तो बेसिकली हम इसके ऊपर गए थे पिछली बार तो हमको यहाँ पे जाना होगा मे बी. भाई मेरा अच्छा मैं राइड नहीं निकाल सकता ना मेरे को दौड़ना पड़ेगा यार. दौड़ के निकलते हैं हम लोग यहाँ से. वो किसी से बैटल बैटल नहीं करना यहाँ पे. ओके तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं. आई थिंक दरवाज़ा है यहाँ पे कुछ. ओ भैया ये देखो ये छे छे उनकी आँखें तो रू रू. ओके ओके और ये कट सीन. ओ एडमिन आया यहाँ पे. ओ तुमको यहाँ पे एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे आइला. तुम यहाँ पे क्या कर रही हो. तो तुम यहाँ पे ट्राई कर रही हो एक सीक्रेट फाइंड करने का जो कि स्नो पॉइंट टेम्पल में छिपा है ना. हाँ बिल्कुल हम यही कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं. अभी देखते हैं
ये दरवाज़ा यहाँ, वेल ये कहता है कि इसके पीछे एक पोकेमन सोया हुआ है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा ग्रेट है। तो हम लोग उस पोकेमन को पकड़ने आए हैं सिंपली। ओके तो यहाँ पे हम लोग चल के देखते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। भैया ओ नो, हमारा स्टोन प्लेट, आयरन प्लेट और आइशियल प्लेट जो था, जो हमने कैरी किया था, वो दरवाजे के साथ रिएक्ट किया कुछ, और जिसके कारण खुल जा सिम सिम, दरवाज़ा खुल चुका है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, इसी का तुम इंतज़ार कर रहे थे। आगे चल के देखा जाए कि क्या मिलने वाला है हमको यहाँ पे। दौड़ा जाए भाई, चले क्यों हम जब दौड़ सकते हैं हम लोग। अब हम चले किस डायरेक्शन में यार, इधर चले, चलो इधर ही चलते हैं। ओ उधर एक वो है भाई, क्या बोलूँ उसको, मैं नाम ही भूल गया मैं। जियो डूड का नेक्स्ट स्टेज। ओ भाई यहाँ पे काफ़ी सारे पोकेमन है यार। अच्छा इधर साइड रास्ता है, ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। भाई तुम यहाँ पे देख सके वो पोकेमन, कौन सा वो पोकेमन है। और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे। एडमिन भैया बताओ क्या 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 ये इस समय, ये क्या चीज़ है, ये इतना बड़ा क्या है? मैं श्योर हूँ ये एक पोकेमन है, लेकिन देखते हैं कि मेरी शक्ति क्या कहती है इसे। हाँ यार ये डेफिनेटली एक पोकेमन है। ओ भाई तो इसका विजन बोल रहा है कि ये पोकेमन है, तो एक पोकेमन है तो ये ऑफ कोर्स हम लोग इसको पकड़ेंगे। अरे मैंने गेम, यार मैंने गेम सेव करना फिर से भूल गया। ओके ओके, बेसिकली यहाँ पे हमको इसको पकड़ना ही होगा ताकि हम इसको इसका प्लेट मिल सके। तो यार चलो डार्क रही मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा यहाँ पे। सबसे मेन रीज़न इसका ये है ना कि मेरे ख्याल से लगता है कि ये भैया इसके पास फाइटिंग टाइप मूव होने वाला है। ओके आई एम गोना यूज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टाइल विद डार्क वॉइड ताकि ये अच्छे से सो जाए भाई, बस मूव मिस मत होना। मूव मिस नहीं हुआ, डार्क वॉइड स्ट्रॉन्ग स्टाइल। ओके और क्या ये सोएगा? सो तो गया, ड्राउजी फील कर रहा है एक्चुअली मे बी। भाई देखो मैंने बोला था देख भाई, डबल डबल मूव, गंदा आदमी। अरे यार नाउ आई थिंक मेरे को साइकिक यूज़ करना चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टाइल के साथ, क्योंकि डार्क रहे तो मेरे को लगता है फेंट होगा ही। अगर वो सो गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं सोया तो दिक्कत है। ओके आई थिंक हम पोकल फेंक सकते हैं हम। ओके वो इतना नींद में है कि वो मूव नहीं कर पा रहा। चलो भैया अब अल्ट्रा बॉल फेंकने का टाइम आ चुका है, लेट्स जस्ट थ्रो एन अल्ट्रा बॉल। एक बॉल में आ ही तो जाना चाहिए यार, क्योंकि हमारा मेन क्वेस्ट का है तो आ जाना चाहिए। लेट्स जस्ट सी। ओ नो नहीं, ये पोकबल में तोड़ दिया, लगता है इसको फेंट होना है फिर से। गीगा इम्पैक्ट, ओ शिट भाई गीगा इम्पैक्ट यार। ओके काफ़ी खतरनाक मूव है, 150 डैमेज के साथ। अब उसका ड्राउजीनेस भी चला गया। आजा भाई डीएल का तेरा ही सहारा है, मैं मूव मत करना बस इस पर, क्योंकि ये अगर फेंट हो गया तो मुझे दिक्कत होगी। लेट्स जस्ट गोना थ्रो अनदर पोकेबल, या बॉयस लेट्स जस्ट डू इट। चलो भैया आजा इस पोकेबल में, प्यारा सा पोकेबल है। अगर नहीं आया, ओ आ गया, अगर नहीं आता ना मैं इसको हरा देता, फिर से हम बैटल करते तब इसको पकड़ते हैं, गंदा पोकेमन। चलो भाई 66 लेवल पे पाल क्या पहुँच गया यार। ओके ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको मिल चुका है हमारा ब्लैंक प्लेट। कितने सारे प्लेट है यार, एक स्टोन, अच्छा ठीक है, जिसमें वो घर के लिखा हुआ रहता है, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको। अब वो एक काफ़ी सॉलिड पोकेमन था, लाइक काफ़ी ही बड़ा पोकेमन जो कि अर्थ के ऊपर बॉर्न हुआ। बहुत ही अच्छे भैया, और क्या, वट काइंड ऑफ पोकेमन इज द वन यू जस्ट गॉट आइला? आई कांट वेट टू सी इन द पोकेडेक्स। वेल व्हेन इट्स डन, चलो हम लोग सब उसका रिसर्च वगैरह करेंगे, लाइक उसका मूव वगैरह यूज़ करके हमको देखना पड़ेगा ना, ताकि हमारा पोकेडेक्स थोड़ा सा अनलॉक हो जाए। या बॉयज द प्लेट ऑफ स्नो पॉइंट, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अभी मेरे ख्याल से बस एक और एक पोकेमन हमको पकड़ना है, तो हमको ये वाला क्वेस्ट करना है, द प्लेट ऑफ मून व्यू एरेना। ओके तो हमको एक बार मैप में जाके देखना पड़ेगा कि हमको बेसिकली जाना किधर साइड है। ये तो हमको यहाँ पे बोल रहा है ले जाने के लिए, यप यप यप, माउंटेन कोर्नेट हाइलैंड्स पे। चलो वहीं चल के देखते हैं, यहाँ पे मिली है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई मेरे को फिर से रीबैटल नहीं करना उस बम के गोले से। मुझे नहीं पता कि एक तुम्हारे तरह का ग्रंथ इस उसको इसके बारे में पता होगा कि नहीं, बट आई गेस हाँ बिलीव कर सकते हैं तुमको बोलने के लिए। डू यू नो द पोकेमन कॉल श्रीलिया, श्रीलिया क्या बोलते हैं इसको? आई डू, मेरे को पता है श्रीलिया उसका नाम है, फिर जो भी उसको कहते हैं। बट हाँ चलो ठीक है,
Cerulea is said to be the very embodiment of the Cerescent moon. Her feathers are called lunar feathers, and legend says that if you hold one as you fall asleep, you will be visited with wonderful dreams, like wondrous dreams. जो डार्क रे पुक में को सुला देता है ना, तो उसको उठाने के लिए सेरेलिया का ये जो फेदर होता है वो दो, तो तुम वो उड़ जाता है वो बच्चा, या फिर जो भी वो इंसान सोया हुआ रहता है, ऐसा कहते हैं. Well, I call her a nightmare, that pesky Cerulea. She is descended upon Moonview Arena and causing my lord to hide itself away. मैं बहुत चिंता में हूँ इलेक्ट्रोड के बारे में, that I can't even sleep, never mind dreams. अरे भाई, मेरे को नहीं पता था ये इतना केयर करता है अपना लॉर्ड का. जो भी है, तुम्हारी मदद करेंगे ऑफ कोर्स. हम लोग जाके उस श्रीलिया को पकड़ेंगे अभी जाके. बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से पकड़ेंगे उस मून वाले पुकमन को. और हम लोग निकल भी गए एक्चुअली. ओ भाई, ओके ओके, चलो भैया, यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके पास लूनर फेदर भी है. ओ भाई, अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? What the hell? भाई जब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैं उल्टा जा रहा हूँ. जब मेरे पास ये, मतलब जब मेरे साथ ये हो रहा है ना, तो मैं ये की, एक मिनट, मैं पीछे जा रहा हूँ तो मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आगे जाता हूँ मैं पीछे जा रहा हूँ. मैं पोकल फेंक सकता हूँ क्या? और यहाँ पर जो है पोकेबल, ओके. अरे नहीं यार, यार ये क्या वाला है? एक मिनट, मैं भाई मैं कहाँ से क्या करूँ यार? ओके, नहीं हो रहा उसे. ये काफ़ी खतरनाक है यार. भागो भागो, मेरे को पोकेमन निकालना पड़ेगा पहले. तो डार्कराई बेटा तू ही कुछ कर सकता है यहाँ पे. अच्छा, ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट. भाई क्या है, क्या था ये? मैं उल्टा जा रहा था, मेरे सारे कंट्रोल्स उल्टे हो गए थे यहाँ पे. ओके, आई एम गोना यूज, क्या मैं डार्क पल्स यूज़ करूँ? मेरे डर लगता रहा है ये फिंड ना हो जाए. ओके, मैं एगाई नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग स्टाइल के साथ यूज़ करूँगा. अच्छा, मैंने नॉर्मल कर दिया, चलो कोई बात नहीं. चलो ओके, फिंड तो नहीं हुआ है. ओह नो, एचपी रीस्टोर कर रहा अपना, कोई बात नहीं. अब फिलहाल से अब हमें स्ट्रॉन्ग स्टाइल करेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया तो फेट नहीं हुई थी. तो स्ट्रॉन्ग स्टाइल करते भाई. ये लीजिए अपना मूव. और ओके ओके, आई थिंक इट्स एनफ टू थ्रो पोकेबॉल मैन. मून ब्लास्ट ही, मतलब भूल गया यार, ये फेरी टाइप मूव भी कर सकती है. साइकिल टाइप पोकेमन है बट ये फेरी टाइप मूव्स कर सकती है. मैं डीएलगा को ला रहा हूँ. अच्छा, मेरे डीएलगा मोहतरमा. अच्छा भैया जी, जो भी है, मेरे को तो एजेंडा नहीं पता. बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग अल्ट्रा वॉल फेंकते हैं अपना. चलो भाई, मे बी एक पोकेबॉल में आ जाए, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आ गया तो मजा ही मजा है, नहीं आया तो सजा ही सजा है. आ गया, ओके ओके, लग तो नहीं रहा था, बट या वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी गॉट द Cerulea. और मिली की बकवास मेरे को बिल्कुल नहीं सुननी कि वो बंदा क्या बोलता है मेरे को. हमको मिला डी डिप्लेट. चलो चलो भैया, एक और प्लेट हमको मिल चुका है. सारे प्लेट हो चुके हैं, मेरे को लगता है क्वार्टेगा के पास जाके देखना पड़ेगा, क्वागेडा के पास. ओके ओके, याप याप याप. और बताओ, नॉट बैड एट ऑल ग्लंच, डू आई सपोज एनीवन विथ इनफ लक. क्या बंदा है, मतलब किस्मत भाई, इतनी मेहनत की है मैंने, कंट्रोल्स मेरे उल्टे हो गए थे, ये बंदा बोल रहे किस्मत. क्या ही है बंदा. चलो ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया था प्लेट ऑफ मून व्यू एरेना. और अभी हमको फिलहाल के लिए जाना होगा कॉगेटा के पास, ताकि हम लोग वो देख सके, सीक आउट और या सीक द रिमेनिंग प्लेट्स. चलो रिटर्न टू कॉगेटा, ताकि हम रिपोर्ट कर सके हमारा क्या प्रोग्रेस हो चुका है. बट आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है. आई होप तुमको वीडियो देख के मजे आओ, वीडियो देख के मजे आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना. तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर इसी तरह के और वीडियोज देखने के लिए. एंड यहाँ तक देखने के लिए अरे यार तो. Non torni con il